आइए आइए प्रकाश भाई, कैसे हो? प्रणाम प्रणाम, बहुत कैसे हैं आप? जैसे लोगों के साथ में ही तो आनंद है, वरना क्या हो सकता, ठीक है? नहीं तो ऐसा नहीं है, आप हैं तो हम हैं, ये तो कौन पूछने वाला? ये बात मत कहिएगा कभी भी, केवल जब तक आप हैं तब तक हम लोग हैं, हम सब हैं आपके बिना। देखिए एक बात याद रखिए, पार्टी बनती है अपने कार्यकर्ताओं से जी। पार्टी इंसान जो पार्टी के अंदर योगदान देते हैं उनसे बनती है। ये तो हम संचालक हैं, हम संचालन कर रहे हैं और नेटवर्क पे बैठ के सब अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत। देखिए एक देश एक नेशन अपनी फौज की वजह से होता है, तो आपकी फौज है हमारी, आपकी कृपा से ये सब हम अकेला क्या कर सकते हैं, एक बार बताइए जी। फौज अगर इतनी बड़ी ना हो, सारे चारों तरफ से सुरक्षा भारत को ना दे रही हो, तो क्या कर सकते हैं? पर कमांडर भी तो अच्छा चाहिए, आप जैसा कमांडर होगा तो कमांडर की बात यह है उसके ऊपर निर्भर करता है हम अपनी फौज को कितना सम्मान देते, कितना उसका आभारी है। आप हमारी फौज हो, हम आपके आभारी हैं, ये है। आप इतना मान देते हैं यही बहुत हमारे मान, क्या आपके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते महाराज। और अपने क्षेत्र में बिल्कुल सही चल रहा है ना? जी हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ दद्दू, हम चाहते हैं हाँ कि आपकी टिकट हमको दिलवाई दिया, हम आपके चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार जगन्नाथ जी आपके क्षेत्र से जीते थे और प्रकाश बाबू, एक आप तो अंदर की बातें सब जानते हैं, जगन्नाथ बाबू ने उस वक्त पार्टी को 10 करोड़ रुपए। मैं आपके इकोनॉमिक हालात जानता हूं, मैंने कभी आपके ऊपर कभी एक पैसे का बोझ नहीं डाला, लेकिन मैं आपका संबंध आजीवन रहेगा, एक आध दिन का नहीं, लेकिन इतनी बड़ी जनसमूह को इकट्ठा करना, प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो कम से कम 1 लाख आदमी का जनसमूह, अब वो कैसे आते हैं सबको? नहीं मैं समझता हूं। अच्छा दूसरा, इतनी बड़ी पब्लिसिटी, ये चारों तरफ प्रचार, पूरे प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत तो यही है जी। और जब तक हमारे बाजू स्ट्रांग नहीं होंगे आप सबसे, और बाजू केवल लोगों से स्ट्रांग नहीं बल्कि धन की व्यवस्था से स्ट्रांग होता है, कार्यकर्ताओं को उनकी पगार देने, उनकी तनख्वाह देने, उन लोगों को रोज उनकी जितनी जरूरियात है वो पूरी करनी, पैसों के बगैर नहीं हो पाता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर अगर आप चाहेंगे तो हाईकमान भी हमारा टिकट नहीं काट सकते। नहीं नहीं अरे साहब, आप तो एक, मैं आपसे एक 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 निवेदन है, केवल एक निवेदन, ये 2019 का हमको पकड़ में ले लेने तो एक बार, उसके बाद आपको राज्यसभा में हम नॉमिनेट करके भेज देंगे, लेकिन 2019 का इस वक्त जान लड़ी हुई है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस वक्त पूरे भारत में हम बूथ वाइज चल रहे हैं, एक एक बूथ के ऊपर हमारे कार्यकर्ता यूं डटे हुए हैं, अपने सारी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है, नहीं तो हम नहीं आ पाएंगे इस तरह से। हमें इस वक्त अपने आप को सुदृढ़ करना है, और सुदृढ़ कौन करेगा? हमारे बाहुबली, हमारे असल योगदान देने वाले लोग, वो आप ही कर सकते हो। चलिए आप इतना मान देते हैं तो बहुत है। नहीं मान तो हमारा, मैं तो चाहूं तो आप ही को टिकट दूं, लेकिन इस बार पार्टी को फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देख रहे हो विपक्षी दल दिन रात हमारे विरोध में
लग, उनका काम ही है सिवाय अंड संड बकने के, उनका और कोई काम नहीं है। उन लोगों को विकास नजर नहीं आता है, तो आंख पे पट्टी बंधी हुई, गांधारी हैं सब, सब लोग गांधारी हैं हमारे देश में। सही कह रहे हैं, यानी हरामखोरों को हमारा किया हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अपनी जनता को अपने पास पकड़ के लाने का हमारे पास क्या साधन है? जब तक हम एक एक प्राणी तक ना पहुंचेंगे, और गरीबों का जब तक हम विकास नहीं करेंगे। आप देखिए प्रधानमंत्री योजना में हम लोगों ने कितने शौच बनाए हैं, माताओं बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने देखो कितने चूल्हे बंद करा के गैस उपलब्ध कराए, एक एक नव युवक को किस तरह से उन्होंने लोन दिलाया है? ये सब उन लोगों को जो सिर्फ वो असल में प्रॉब्लम ये है, वो देशद्रोही। सही कह रहे हैं, जाके चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर बात कर, बिल्कुल थोड़ा आगे आइए, आपका कोट थोड़ा सा ठीक है, बहुत बढ़िया कोट पहना है, शर्ट भी बहुत। धन्यवाद, आपकी ही कृपा है। नहीं नहीं, हमारे कुछ नहीं, हम आपकी कृपा से चल रहे। तो चलिए दद्दू, हम आपकी बात मानते हैं, टिकट आप किसी को भी दिलाइए, नहीं पर हमारा रहेगा ना, वहां तक आपका नाम हृदय पे छपा हुआ, हम भी अपनी जान लगा देंगे। लखनऊ में प्रकाश जी के बगैर यहाँ पे कोई पत्ता नहीं हिल सकता। बस बस दद्दू, आप ये लखनऊ और ये पूरा यूपी एक बार जैसे पिछली बार किया था ना, इस बार पकड़ लो, बिल्कुल 2019 को अपने कब्जे में ले लो, आपका ही है सब कुछ पे। इसको पकड़ने के बाद फिर आपकी जड़ें जो है पाताल में चली जाएंगी। जितने विरोधी आज बोल रहे हैं, रातों रात इनकी सबकी बोलती ना बंद कराई तो मुझे पकड़ लेना, क्या बात है, मुझे पकड़ लेना बाबू जी। अच्छा एक बात और, जगन्नाथ जी को टिकट ऊपर से आया, आप समझ लो ठीक है, उनका सहयोग जिस तरह से पिछली बार किया था ना आपने, अपने कार्यकर्ता को लगाकर दिन रात अभी से सूची बनाकर सबको खड़े कर लो, और छोड़ो मत महाराज जी बेटा, उसकी चिंता ना, अरे आपके ऊपर पूरा विश्वास है महाराज, बस हमारा ध्यान रखिए, नहीं आप, आपके बगैर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। बस बस बस, हर एक मंच रखिए प्रभु, हर एक मंच के ऊपर आप बैठेंगे, बस बस वहां पे प्रधानमंत्री जी को पता लग जाना चाहिए कि असल कार्यकर्ता काम करने वाला कौन है। बस दद्दू, बस गॉड ब्लेस यू।